अस्सलाम वालेकुम। आज का एजेंडा ये है कि ज़ेब की जो टाइगर है वो रेडी हो गई है, सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इट। और उससे पहले हमें जो है पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो पेट्रोल अब कम है, और सुने हैं कि कल रात को पेट्रोल महंगा भी हो गया, तो देखते हैं क्या सीन है। सो मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, मेरे ख्याल से 305 रुपये का पेट्रोल हो चुका है। आप लोग से अभी शेयर करते हैं। शटी वाले भाई निकले तो हम अपनी शटी से अंदर पेट्रोल डलाएंगे। भैया मोमेंट ऑफ ट्रुथ है, 306 रुपए का पेट्रोल हो चुका है यहाँ पे, 306 रुपए 15 पैसे पेट्रोल पड़ चुका है। और एक मजे की चीज जो मैंने भी नोटिस की है पेट्रोल पड़वाने के बाद, वरना मैं भी हाई ऑक्टेन नहीं डलवाता, हाई ऑक्टेन 306 रुपए का है 15 रुपए के इजाफे के बाद, और जो दूसरा है आपका अल्लाह भला करे, सॉरी जो नॉर्मल है वो 306 रुपए 15 पैसे का, जो हाई ऑक्टेन है 309 रुपए 88 पैसे का, तो 3.5 रुपए का फर्क है। अब तो हाई ऑक्टेन ही हर एक को डलाना चाहिए है। और एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था, लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रश करते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो रहा है कल, और जो पेट्रोल पंप पे जाकर ट्रैफिक जाम हो जाता है वहाँ पे लोग लुट भी रहे होते हैं कराची के अंदर स्पेशली, और दो दो तीन तीन घंटे लाइनों में खड़े होकर पेट्रोल पड़वाते हैं। वो जो कम सस्ता पेट्रोल पड़ाते हैं, ये पहला सवाल, कितने दिन चल जाता है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स के अंदर। और जो सेविंग है, मतलब एक नॉर्मल गाड़ी 40-45 लीटर का अगर उसका टैंक है, तो 40 लीटर का अगर आपका टैंक है और वो जीरो से भी आप भरते हो, तो 15 रुपए के हिसाब से अगर आप 40 रुपए पे जाते हो तो आपने कुछ 600 रुपए पूरे टैंक पे बचा लिए। मेरे हिसाब से दिस सेविंग डज नॉट मेक सेंस कंसिडरिंग जो आप वारी करते हैं। ऑफ टू ज़ेब्स। सो फाइनली सिग्नल्स का जो समंदर है उसको हम क्रॉस करके ज़ेब भाई के घर पहुंच गए हैं, और अब हम ज़ेब के घर के अंदर जाएंगे। ये ज़ेब का टंटन खड़ा हुआ है, उसके पीछे ज़ेब भाई का सैमसंग खड़ा हुआ है, और ये सर्कस का शेर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बस आ गया। ये पहले सबसे माइक लगाओ। क्या पे ऐसे तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? ऑन है ये, वीडियो बन रही है। मैं ये स्क्रैचेस आए हैं भाई, गाड़ी तैयार हो चुकी है, और जैसे कि हमारे कराची में लोगों का फेवरेट मशगला है, वो साफ सुथरी गाड़ी देखी नहीं कि चाबी लेके जो है वो शुरू हो जाते हैं, कि कोई हजरत जो है वो कारपेंटर आए हुए थे हमारे घर के नीचे, उन्होंने चाबी लेके पीछे का डाला, पीछे का दरवाजा और आगे का दरवाजा सब पे बाकायदगी से निशान मारे, मगर ये बेगम की बदौलत जो है वो उनका बताया हुआ नुस्खा हमने आजमाया है, एंड सीमिंगली बड़ा जबरदस्त काम किया। तो ये नुस्खा ये है कि बेसिकली कोकोनट ऑयल और विनेगर हसबे जायका और उसको मिला के और उसको जो है वो गाड़ी के स्क्रैच पे अप्लाई करें, तो अगर आप देख सकें तो पीछे का जो स्क्रैच था वो रिलेटिवली हल्का था थोड़ा, तो वो ऑलमोस्ट जा चुका है। ये नज़र आने में तो काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि ऑलमोस्ट जा चुका है ये। बेसिकली मैं इसके ऊपर ये दूसरा कोट हो रहा है इस वक्त, सही है। मैं एक दफ़ा दो दिन पहले कर चुका हूँ, एक आज हो रहा है, पीछे के दरवाजे पर एक ही कोट हुआ था, आज दूसरा किया है। और ये आपका ओरिजिनल स्क्रैच, ये ओरिजिनल स्क्रैच है जो, एंड इट इज नेल्डी, तो ये आपका ये वाला जो नुस्खा है ये कम कर रहा है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो खत्म हो गया है यहाँ खत्म, नेल्डी स्क्रैच और सही है। तो अब क्योंकि आप आ गए हैं तो आप भी देख लें। आई थिंक दिस इज लाइक ब्रेक ऑयल की तरह का ये काम कर रहा है, कुछ वही वाला है, साइड का जो पेंट है उसको मेल्ट आउट करके इट इज
एंड अगेन ऑब्वियसली आपकी गाड़ी को ब्रांड न्यू तो नहीं कर देगा, जुए बापा के टोटके ये भी सही है. But after you're done with this, you should like wipe it off, dry it off, right? इसको करने के बाद थोड़ी देर में वाइप ऑफ करना चाहिए. सो गाड़ी पे जब तक जुए भाई अपना काम कर रहे हैं, हम देख लेते हैं इन्होंने व्हील आर्चेस को और ये जो टू टोन कराया है ग्रे के साथ. आया मेरी एडवाइस सिल्वर पे थी, इन्होंने रिम को भी ग्रे करा दी है. मेरी एडवाइस सिल्वर पे थी लेकिन इनके जो पीरो मुर्शिद हैं उनकी इन्होंने सुनी है और इन्होंने सिल्वर की जगह ग्रे करा दी है. ओवरऑल गाड़ी अच्छी लग रही है. बम्पर को इन्होंने साथ में ब्लैक कर दिया विद ग्रे, जो ग्रिल है वो भी ब्लैक हो गई है. एंड मिरर भी ब्लैक हो गया है. और इन्होंने पिछला बम्पर नहीं उतारा, मेरी एडवाइस इसको भी उतारने की थी. जेब इधर से, ये क्या हुआ व्हील आर्च पे? ये भी कारपेंटर साहब की देन है. माशाल्लाह, मतलब उन्होंने सही की खुन्नस निकाली है गाड़ी के साथ. खुदा जाने क्या बिगाड़ा था मैंने उनका. इंटीरियर ऐसे ही है. वही 1 kg का इंजन है. अच्छा, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है. काहे का? माय वाइफ्स अंकल कॉल्ड मी द अदर डे एंड ही वाज सेइंग यार मैं तुम लोगों की वीडियोस देखता हूँ, जो तुम्हारे साथ दूसरा जो लड़का है जिसकी टाइगर बन रही है, तुम लोग का जो आपस का बैंटर होता है बड़े मज़े का होता है, लगता नहीं है स्क्रिप्टेड है. मैंने कहा स्क्रिप्टेड है भी नहीं, दिल से निकलती है एक दूसरे के लिए. सो ही वॉज अप्रिशिएटिंग वॉट यू आर डूइंग अपेरेंटली. आई डोंट नो वाई बट ओके, आई थॉट पैगाम पहुँचा दूँ. क्रोम डोर हैंडल्स का भी आपने ख़त्म करके काले कर दिए हैं जी. सो क्रोम का मुंह काला किया आपने बेसिकली पूरी गाड़ी में. चाहे आपके आपके अंकल को वालेकुम थैंक यू. और ये मेरे स्क्रैचेस हो गए हैं गायब. और ये जुएब भाई का सर्कस का शेर हो गया तैयार. भैया बहुत सारे लोगों का आ रहा था मैसेज कि भाई बेच रहे हैं, क्या ख्याल है, क्या कहानी है, तो कहाँ बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, ये भी बता दो अभी. बिल्कुल बेच रहे हैं. बैम्बिल्स के क्लासिफाइड पेज पे सर ऐड लगा हुआ है? नहीं, अभी तस्वीरें वो वाली नहीं ली मैंने जो बैम्बिल्स से क्लासिफाइड पे जा सके. तो आप उसको लगा दें, और क्योंकि ग्रुप जब बाय द टाइम वीडियो लाइव जाए आप इसको उस पर लगा दिया क्लासिफाइड ग्रुप के ऊपर इसका ऐड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लोग जो हैं उसको चेक कर सकते हैं. और ये इन द मीन वाइल जुएब भाई ने स्क्रैचेस को ख़त्म ऑलमोस्ट कर दिया. ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत माइनर से पता चल रहे हैं, पता चल रहा है लेकिन जो पहले से बहुत बेहतर हो गया. और ये जो सेकंड कोट वाले हैं ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं. दिस वन एंड दिस वन, इस पे थर्ड कोट है, ये ऑलमोस्ट गायब हो चुका. हाँ, तो 2-3 दफ़ा आप कोट करोगे तो ये ऑलमोस्ट आपका स्क्रैच जो है गायब हो जाएगा. और इनकेस लोग जानना चाहें कि एग्जैक्टली क्या डला है, तो घर का विनेगर बेगम का चोरी की है, कोकोनट ऐप ऑयल कोई सा भी डाल सकते हैं. मतलब इसमें कोई स्पॉन्सर तो नहीं है ना? नहीं, पैसों से देके लगाए हमने कोकोनट. सर गरीब कंपनियां कहाँ स्पॉन्सर करेंगे. ये भी सही है, वो लोग गरीब हैं हम गरीब हैं. सर दोनों ही गरीब हैं. बट खैर, तो जी गाड़ी हो गई है तैयार. अब इसमें हम एक बिफोर वाला शॉट डाल देंगे तस्वीर का, ताकि लोगों को याद आ जाए कि पहले कैसी दिख रही थी और अब कैसी दिख रही है. वो आप ज़रूर डाल दीजिएगा. और हमने इस पेट्रोल के आपका खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली? मेरा रफली खर्चा आ गया है गाड़ी पे तकरीबन 2.5 से 3 लाख. 2.5 से 3 लाख रुपये. उसमें गाड़ी का पेंट, गाड़ी का सस्पेंशन, गाड़ी के छोटे मोटे निकनैक्स, एसी, टायर भी आपने डाले हैं ना? टायर डाले हैं और बैटरियाँ डाली हैं. बैटरियाँ बैटरियाँ दोनों नई डाली हैं. एक पहले डल गई थी फिर एक बाद में डली है. गाड़ी एक ओसाका है और एक डाइबू है. हाँ, वेरी गुड. तो बस बाकी आई गेस अब ऐड डल जाएगा एंड द कार इज रेडी फॉर सेल. सो ये जुहेब है, ये जुहेब का सर्कस का शेर है. कमेंट में जरूर देगा आप लोगों को कैसा लगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अगली दफा तक के लिए अल्लाह हाफिज़.